खाने में मिठाइयों का अलग महत्व है। मिठाइयाँ ना हो तो खाने का स्वाद फीका पड़ जाता है। त्योहारों और पारिवारिक अनुष्ठानों में तो मिठाइयों के बिना बात ही अधूरी रह जाती है। लेकिन मिठाइयाँ अच्छी और शुद्ध ना हो तो मजा भी खराब हो जाता है और सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो जाता है। लेकिन पटना के हरिलाल स्वीट्स की बात ही अलग है। यहाँ की बनी मिठाइयाँ न केवल शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में बेजोड़ है, बल्कि इसका स्वाद भी बेमिसाल है। हम आपको लेकर चलते हैं हरिलाल स्वीट्स के स्टोर पर, जहाँ आपको मिठाइयाँ बनते दिखाएंगे और आपको मिलवाएंगे हरिलाल स्वीट्स के मालिक अमित मनकानी से, जिन्होंने एक छोटी सी दुकान पर मिठाई बेचना शुरू किया और आज कई स्टोर को चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा ज्योति। HS न्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मिठाइयाँ किसे अच्छी नहीं लगती, खाने में मिठाइयाँ हो तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। क्या है हरिलाल स्वीट्स के सफलता की कहानी, बात करेंगे। हमारे साथ हैं हरिलाल स्वीट्स हरिलाल वेंचर्स के मालिक अमित मनकानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रतिभा जी। आपकी मिठाइयाँ बहुत मशहूर है, हम पटना आए तो सबने कहा कि वहाँ जरूर खाइएगा मिठाई, ऐसी क्या खासियत है? खासियत तो आप ही लोग बताइए, हम लोग तो बस बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सालों से, और जितना अच्छा हो सकता है चाहते हैं कि लोगों को सामने दे पाए उसको। लोग बताते हैं कि यहाँ इस हरिलाल स्वीट्स की जो आप जो भी मिठाइयाँ हैं, ये जो भी नमकीन है, उसमें आप क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम लोग अच्छे रॉ मटेरियल से लेके, अच्छे कारीगर से लेके, जितना हाइजीन हो सके उसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो किस तरह से तैयार करते हैं ये हाइजीन का जो कह रहे हैं आप, ख्याल रख लें, क्योंकि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। चीज की टीम बनी है, परचेज विभाग अलग है, प्रोडक्शन अलग है, हाइजीन मेंटेन करने वाले लोग अलग हैं, लैब बने हुए हैं, चीजों की टेस्टिंग होती है, और जो एक प्रॉपर वे है काम करने का, हम लोग उस वे में काम करते हैं। इम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, कितने लोग काम कर रहे हैं अभी आपके यहाँ? हमने देखिए 6 लोगों से काम शुरू किया था, आज हमारी कंपनी 600 लोगों को रोजगार दे रही है। तो छोटी सी मिठाई की दुकान अब एक बड़ा स्टोर बन गया है, बड़ा लोग हमारी कंपनी में अभी हैं जी। ये जो आपने छोटी सी मिठाई की दुकान का जिक्र किया कि वहां से अब ये बड़ा हरिलाल वेंचर्स बनके तैयार हो गया है, इसकी कहानी हमें थोड़ा बताइए कि कैसे छोटी सी मिठाई की दुकान आज इतना बड़ा स्टोर कैसे बन गया है? 96 में हमारे पिताजी ने ये काम मुझे स्टार्ट करा के दिया जी। धीरे धीरे करके काफी 10 साल का स्ट्रगल पीरियड था, फिर मेरे भाई संदीप ने जब वेंचर को ज्वाइन किया, पापा ने, हम लोग तीनों ने मिलकर काफी मेहनत की, और पापा के जाने के बाद बिजनेस को उनका नाम दे दिया, हरिलाल हमारे पिताजी का नाम। तो जब पापा हमारे नहीं रहे तो हम लोगों ने बिजनेस को उनका नाम दे दिया, उसके बाद उनका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद साथ दिया, हम लोग की मेहनत काम आई, जो आज हम लोग 600 लोगों को। हमने एक बात और सुनी कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है आपकी वो बहुत शानदार है, लोग कहते हैं कि जो आपके यहाँ लोग जो कारीगर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको लगता है कि उनकी बेहतर स्थिति उनको यहाँ पे मिलती है, क्या क्या खास बताइए ऐसे क्या है? पूरी चीजों का, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान देते हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको फॉलो कराते हैं, कुछ हमारे यहाँ एम्प्लॉयज हैं जो नहीं करना चाहते हैं उनको भी समझाते हैं नहीं आप फॉलो करो आपको फायदा है, जितना बेहतर हो सकता है हम लोग उनका चाहते हैं, हमारे थ्रू हो या गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू, उनको हम लोग अच्छे से अच्छा दे पाए जी। तो ये बिजनेस आपका अभी, ये स्टोर जो बता रहे थे, अब कितनी जगह पे आपका ये चेन और रेस्टोरेंट है? ये अभी हमारा 4 स्टोर है पटना में रेस्टोरेंट के साथ, सारे प्रोडक्शन अपना है। एक हम लोगों ने अभी नया रेस्टोरेंट और खोला है गांधी मैदान के पास, वो भी है। लोग आजकल ऑनलाइन प्रेफर करते हैं चीजों को मंगाना, चाहे मिठाइयाँ हो या कोई भी चीज हो, बहुत अब लोग घर बैठे खाने पीने की चीजें मंगाने लगते हैं, तो ऑनलाइन में भी आप लोग ई कॉमर्स में भी आ गए आप लोग? बिल्कुल आ गए हैं, ऑनलाइन हमारा अब देश विदेश सब जगह जा रहा है। अच्छा, कहीं भी मंगा सकते हैं आपकी मिठाइयाँ? ऑनलाइन बुकिंग आती है और हम लोग बाकायदे उस चीज को प्रॉपर पैक करके और उसको कुरियर के द्वारा डिलीवर। तो आप हमें दिखाएंगे कि आपकी मिठाइयाँ किस तरह से तैयार होते हैं? आइए अमित जी, चलते हैं आपके साथ, देखते हैं कैसे तैयार होती है आपकी मिठाइयाँ। देखिए यहाँ
आने से पहले मुझे भी ये टोपी पहनाई गई है ताकि मेरे बाल इन खाने पीने की चीज़ों में ना गिर जाएं। आप इन सब बातों का पूरा ख्याल रखते हैं कि साफ सफाई हो, लोगों को अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिले। ये हमारा नमकीन विभाग है जी, सारा नमकीन का जो भी काम होता है वो यहीं पर होता है, यहाँ से बन के दुकानों पर चला जाता है जी। इसमें किस तरह का ख्याल रखते हैं आप जो नमकीन तैयार हो रहा है, तेल और ये सारी चीजें जो आदमी आपको प्रॉपर हाइजीन मिलेगा जी। सब चीजें आप देखिए, मैं तो अपने नहीं दिखा सकता, आप खुद देख सकते हैं चीजें कितनी साफ सुथरी काम हो रही है। हाँ, कहीं भी साफ सफाई, किचन साफ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। देखते हैं ये दाल तैयार है नमकीन के लिए, नमकीन की तैयारी जी, सारी नमकीन की तैयारी है। मिक्सर बनेंगे, ये आपके नमकीन बनाने का डिपार्टमेंट है आपका, किचन बनाने का है पूरा। नमकीन हमारे यहाँ सब मूंगफली तेल में, मूंगफली तेल में खास तौर पर बनाते हैं। और कोई हम लोग ऑयल यूज नहीं करते, पीनट ब्राउन। मावे को लेकर आमतौर पर बहुत लोगों में एक शंका रहती है कि जो मिठाइयों में किस तरह का मावा इस्तेमाल होता है, खासतौर पर त्योहार के समय में। मावा हम लोग अपने दूध से प्रिपेयर करते हैं, अपने दूध से प्रिपेयर। हाँ, लोगों का भरोसा है कि ये जो मावा इस्तेमाल करते हैं, हमारे पुराने टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है जो बढ़िया मिल्क प्रोवाइड करती है, उससे हम मावा तैयार करते हैं, खुद ही तैयार करते हैं मावा आप। ये काजू की बर्फी तैयार हो जी। अच्छा, ये पूरा काजू सेक्शन है, हम अभी खड़े काजू सेक्शन में, यहाँ जो कुछ भी है वो काजू से तैयार हो रहा है, काजू की बर्फी, काजू के लड्डू। हाँ, काजू से रिलेटेड जो भी है, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई सब इसी। अपने मिठाई के भी सेक्शंस अलग अलग रखे हैं, काजू के अलग अलग, ऊपर नमकीन से स्टार्ट है, फिर ये मिठाई का काजू का हो गया, इसके नीचे फिर छेने की मिठाई है, छेने की मिठाई के बाद देसी घी की मिठाई है। ये काजू की कई तरह की मिठाइयाँ जो आपको, ये चॉकलेट की तरह आपने इसकी पैकिंग की है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चॉकलेट्स हों। सारा ड्राई फ्रूट्स सब इसी फ्लोर पे बन रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम पहुंच रहे हैं छेना विभाग पे, जहाँ छेने की मिठाइयाँ तैयार हो रही है। तो दूध की मिठाई तैयार करने में तो खास तौर पर सावधानी बरतनी पड़ती है, गर्मी अधिक हो उसकी क्वालिटी में, अभी आपको ताजा दूध चाहिए तो ताजा दूध आप मंगवाते हैं बाहर, उसको डेली रॉ मिल्क आता है हम लोग के पास जी, उसको ठंडा करने के लिए उन्होंने चिलर्स लगा के रखा है। ओके, यहाँ दूध को ठंडा करते हैं। ये मावा मशीन है, इसी में दूध भी बनता है, खोलता है, मावा भी बनता है। ये मावा मशीन है, सारा प्रोसेस है पूरा, दूध गर्म होगा, दूध की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा। हम लोग बकायदे हमारा लैब बना हुआ है, चेक करते हैं, उसके बाद उसको भारत सरकार की जो खाने पीने की चीजों को लेकर जो मानक तय हैं शुद्धता को लेकर, उसके कसौटी पर उसको पूरा FSSAI का जो भी रूल है वे फॉलो। टेम्परेचर कितना मिनट रखते हैं आप लोग यहाँ पर, कितना मिनट? प्लस 5 डिग्री तक हम मेंटेन करते हैं टेम्परेचर, अच्छे से रह जाती है। कितने दिनों तक आप ये मिठाइयाँ यहाँ पे आप रख सकते हैं, कितनी ताजी रहेगी? रूटीन का है, जैसे रोज बनता है उसका एक प्रोसेस है, आपने आज बनाया उसको ठंडा करके आपको नेक्स्ट डे उसको जी। कितने किलो मिठाइयाँ आपके रोजाना तैयार होती है आपकी फैक्ट्री में? ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि रोजाना कभी ऑर्डर से रिलेटेड है, लगन है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, लेकिन एक है बढ़िया, शादी ब्याह के मौके पर खास तौर पर एक बढ़ जाती है, दिवाली में त्योहारों में बढ़ जाती है, अच्छी खपत है, भगवान की दया चाहिए। घी की खुशबू यहाँ बहुत तेज आ रही है, कंप्लीट घी में तैयार होता है यहाँ सब कुछ, तो देसी घी की मिठाइयाँ खानी हो तो हरिलाल स्वीट्स को जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ गुजिया तैयार हो रही है, सेवइयाँ, ये गुजिया और सेवइयों का सेक्शन है क्या? गुजिया, सेवइयाँ, सोन पापड़ी, लड्डू, बेसन गजक, सारा आइटम सब यहाँ तैयार। लड्डू का दाना जो बोनिया बनती है जी, बेसन
पेट्रोल कटाना भी तैयार हो रहा है। ये हिंदुस्तान पिरकिया के नाम से जी, ये बिहार में इसको पिरकिया बोलते हैं। ये यहाँ पिरकिया तैयार हो रही है यानी गुजिया, और वहाँ ये सेवैया, ये सोन पापड़ी तैयार हो रहा है। और आखिर में हम आप पहुंचे हैं बेकरी सेक्शन, आइए। और कई तरह के केक, ब्रेड भी आप खुद ही तैयार कर लेते हैं सारी चीज। बेकरी का जो पूरा आपका तैयार होता है, क्या पटना के लोगों को ये पसंद आता है? हाँ, पसंद आता है और उन्हीं के स्वाद को ध्यान में रखते हुए हम लोग चीजों का कस्टमाइज्ड भी कुछ चीजें तैयार करते हैं कि आप लोग कस्टमर की किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इस तरह का बना दीजिए, मुझे वैसा चाहिए, तो हम लोग कर देते हैं। अब हम आए हैं क्वालिटी लैब, यानी क्वालिटी चेकिंग के काम यहाँ पे होती है। अमित जी बताइए कि किस तरह से आप क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं कि आपकी चीजें जो तैयार हो रही हैं, जो कस्टमर तक पहुंचे, उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। हमने प्रॉपर लैब यहाँ पर बनाया हुआ है, इसमें जो भी हमारा मिल्क परचेज हो या कोई भी रॉ मटेरियल परचेज हो, वो बाकायदे यहाँ आके चेक होता है। उसको चेक करने के लिए हमने लोग यहाँ डिब्यूट किए हुए हैं, तो क्वालिटी चेक करते हैं और हमें उस चीज का एश्योरेंस देते हैं कि जो हमारे चीज आ रही है वो सही है। अमित जी का दावा है कि उनके यहाँ जो चीजें तैयार होती हैं उसकी क्वालिटी पर बहुत खास ध्यान दिया जाता है, और यहाँ लोग जो ये हम लैब में हैं, यहाँ पे खाने पीने की चीजों की जांच की जाती है प्रॉपर, कि लोगों तक जो पहुंच रहा है, जो चीजें पहुंच रही हैं खाने पीने की चीजें, वो अच्छी पहुंचे और उनके स्वास्थ्य के साथ किसी तरह के कोई खिलवाड़ ना हो। यही वो जगह है जहाँ से आप तक मिठाइयाँ पहुँचती हैं। हरिलाल स्वीट्स की मिठाइयाँ ऊपर छठे फ्लोर से पांचवें फ्लोर से तैयार होते 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 यहाँ तक आती हैं और इसके बाद आपके घर तक पहुँचती है। पटना आइए तो हरिलाल स्वीट्स की मिठाइयाँ जरूर खाइए। और हाँ, यदि आप पटना नहीं भी आ रहे हो, आप देश विदेश कहीं भी बैठे हो, आप ऑनलाइन यहाँ की मिठाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं, तो देर मत कीजिए और आज ही हरिलाल स्वीट्स की मिठाइयाँ खाकर तो देखिए। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।